गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द मैथमेटिक क्लास। अवर टूडेज टॉपिक इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बेटा? किसी नंबर को विदाउट लॉन्ग डिवीजन ये चेक करना कि जो गिवन नंबर है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय टू कि अगर कोई नंबर जैसे ये गिवन नंबर है ये विदाउट लॉन्ग डिवीजन बिना डिवीजन किए हम ये चेक कैसे कर सकते हैं कि ये टू से डिविजिबल है या नहीं। हाँ जी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ़ यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन। अगर कौन सा डिजिट बेटा? यूनिट प्लेस डिजिट। अगर तो यूनिट प्लेस डिजिट इवन है तो वो गिवन नंबर टू से डिविजिबल होगा। अगर यूनिट प्लेस डिजिट इवन नहीं है तो ये नंबर टू से डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे मेरे पास नंबर है 3, 4, 9, 6, 2, 1, 3, 8। अब इसमें जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है? 8। 8 इज इवन नंबर। यस, 8 इज अ इवन नंबर। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय टू। ये डिविजिबल है या नहीं? यस, डिविजिबल बाय टू। अगर 8 की जगह पे कोई और नंबर होता लाइक 1, 3, 7, 5, 9 तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं होता। अब डिविजिबल बाय 3, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर दिए हुए नंबर के डिजिट्स का आपस में सम 3 से डिविजिबल है देन इट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं तो नहीं है। अब जैसे मेरे पास गिवन नंबर था 3, 4, 9, 6, 2, 1, 3, 8। मैंने इसके डिजिट का आपस में प्लस किया, 3 + 4 = 7, 7 + 9 = 16, + 6 = 22, + 2 = 24, + 1 = 25, + 3 = 28, + 8 = 36। तो इनका सभी का आपस में सम कितना बना? 36। अब 36 3 से डिविजिबल है? यस, 36 इज डिविजिबल बाय 3। तो गिवन नंबर है जो ये 3 से डिविजिबल है? यस, ये 3 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 4। If last two digits are divisible by 4, then it is divisible by 4. अगर from right hand side last वाले two digits अगर तो 4 से divisible हैं तो ये 4 से divisible है। अगर last वाले two digits 4 से divisible नहीं है तो ये सारा number 4 से divisible नहीं होगा। अब इस एग्जांपल में मेरे पास 48 है लास्ट वाले टू डिजिट। अब 48 4 से डिविजिबल है? यस, है। तो ये सारा नंबर 4 से डिविजिबल है? यस, है। ठीक है जी, इसी तरीके से 4 के जैसे ही बेटा हमारे पास होता है 8। 4 में हम लास्ट वाले टू डिजिट चेक करते हैं राइट हैंड साइड से, 8 में हम लास्ट वाले 3 डिजिट चेक करेंगे। हाँ जी, If last three digits are divisible by 8, then it is divisible by 8. अगर last वाले three digits 8 से divisible हैं तो ये सारा number 8 से divisible है। अगर नहीं है तो ये सारा number 8 से divisible नहीं है। अब इसमें last वाले three digits क्या बन रहे हैं? 148। 148 को मैंने 8 से divide किया, 8 ones are 8, 14 में से 8 को minus किया 6, ऊपर से क्या लिया 8, 68, 8 8 = 64। कितने रिमाइंडर बचे बेटा हमारे पास? 4 बचे। तो ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है ना। सो नो, नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर बेटा? अब हमने चेक करना है डिविजिबल बाय 5। किससे? 5 से। इफ यूनिट प्लेस डिजिट कैरी 0 और 5, कहते अगर यूनिट प्लेस डिजिट पर या तो 0 या 5 है तो सारा नंबर 5 पे डिविजिबल होगा।
अगर इन दोनों डिजिट्स के अलावा और कोई भी नंबर है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे मेरे पास नंबर है 3692148, अब यूनिट प्लेस डिजिट क्या आया मेरे पास, ओनली 8 आया ना, 0 और 5 तो नहीं है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल ली, मैंने 8 की जगह पे 0 ले लिया, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो ये नंबर 0 से डिविजिबल होगा। यस, ये नंबर 0 से डिविजिबल, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यस, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। अगर हमने चेक करना है कि कोई नंबर 6 पे डिविजिबल है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर कोई नंबर 2 पर भी और 3 पर भी दोनों पे डिविजिबल हो देन इट इज डिविजिबल बाय 6, तो वो 6 पे भी डिविजिबल होगा ही होगा। अगर इन दोनों में से वो किसी एक नंबर पे भी डिविजिबल नहीं है, चाहे वो 2 है चाहे वो 3 है, एक पे भी डिविजिबल नहीं है, तो वो सारा का सारा नंबर 6 पे डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे ये वाला नंबर ले लो, 2 पे चेक करो, 2 के लिए लास्ट वाला यूनिट प्लेस डिजिट इवन होना चाहिए, ये इवन है, यस इवन है, इट मीन ये 2 पे डिविजिबल है। 3 के लिए कैसे चेक करेंगे, सभी का क्या करेंगे, सम, सभी का सम करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा, 3 + 4 = 7, 7 + 9 = 16 + 4 = 20 + 2 = 22। अब 22 3 के टेबल में आता है नहीं आता, तो ये 3 पे डिविजिबल नहीं है। अब ये 2 पे डिविजिबल है पर 3 पे नहीं है, तो ये 6 पे है, नो, नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 6 पे। अब हमने चेक करना है बेटा 9 पे। 9 पे कैसे चेक करते हैं, जैसे हम 3 पे करते हैं, सभी डिजिट्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, अगर उनका सम 9 पे डिविजिबल है तो ये 9 सारा नंबर 9 से डिविजिबल है, अगर उन डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये सारा जो है नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज डिविजिबल बाय 9। अब इनका मैंने सम कर दिया, इनका सम 22 बना था, अब 22 9 पे डिविजिबल है, नो, तो ये सारा नंबर 9 पे डिविजिबल है, नो। अगर 22 पे की जगह पे 27 आता, 36 आता, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाता। अगर 0 भी आता, क्योंकि 0 सभी नंबर से डिविजिबल होता है, तो भी ये क्या बनता बेटा, डिविजिबल बन जाता 9 से। क्लियर। आगे है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 पे कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0 है, अगर यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल है। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। अब इस नंबर में देखो, यूनिट प्लेस डिजिट 0 है नहीं, क्या है हमारे पास 2, तो ये डिविजिबल है, नो। इस नंबर में देखो, यूनिट प्लेस डिजिट 0 है, यस है, तो ये सारा नंबर 10 से डिविजिबल है, यस ये सारा नंबर 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 11। अब हमने कौन से नंबर पे चेक करना है बेटा, 11 पे। हाँ जी, जैसे हमको कोई भी नंबर गिवन है तो कैसे चेक करते हैं, फर्स्टली वी विल सम डू सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस। ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं, ओड डिजिट्स नहीं, ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करते हैं, जैसे फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पर और सेवन्थ प्लेस पर। तो मैंने प्लस कर दिया 2681, मतलब एक एक डिजिट छोड़कर लगा लो, 1862, इनका सभी का सम किया कितना आया मेरे पास, 70। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, जो इवन प्लेस पे है, जैसे सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट्थ प्लेस। अब सेकंड प्लेस पे क्या है 6, फोर्थ प्लेस पे क्या है 5, सिक्स्थ प्लेस पे क्या है 3। कौन से हैंड से देखेंगे हम, राइट हैंड साइड से, उनका सम कर दिया, उनका सम कितना बना 14। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 17 - 14 कितना आया मेरे पास 3। अगर तो ये डिफरेंस 0 है या 11 से डिविजिबल है तो ये सारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है या 0 नहीं है
तो ये सारा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर बेटा, ये थे हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिनकी हेल्प से हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैसे चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर किसी भी दिए हुए नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अवर टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।